This news is powered by the Gurukulam International School and co-powered by Gurukul Tiles Jiyanki. All types paver block and tiles. हिंदी फिल्मों में अपने गीतों के जरिए बॉलीवुड के सफर को यादगार और सुनहरा बनाने वाले गीतकार संतोष आनंद 14 जुलाई को पलामू में संगीत प्रेमियों के बीच अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। जहां कला और साहित्य के प्रति समर्पित संस्था राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच के सालाना आयोजित होने वाले कार्यक्रम काव्यांजलि में वे शिरकत कर रहे हैं। इनके साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कविता शेरो शायरी और गजलों के जरिए ख्याति प्राप्त कवि और शायर भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। काव्यांजलि 2019 का आयोजन 14 जुलाई को टाउन हॉल में किया गया है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में फिल्म गीतकार संतोष आनंद के साथ राष्ट्रीय कवि गजेंद्र प्रियांशु, डॉक्टर भुवन मोहनी, अभिनव मिश्र, शेखर पाखी, बजरंग नाथ तिवारी और पंकज सिंह मुख्य रूप से अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंच के अध्यक्ष अभिनव मिश्रा ने इसकी जानकारी। राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच के तत्वाधान में ये द्वितीय वर्ष हमारा काव्यांजलि 2019 का आयोजन राष्ट्रीय साहित्य युवा मंच करने जा रही है आगामी 14 जुलाई को अपने शहर डाल्टनगंज के टाउन हॉल में, जिसमें मुख्य जो हमारे इस बार कवि आमंत्रित हैं उसमें गीत ऋषि संतोष आनंद, जिन्होंने कई ऐसे नगमे दिए जिनको गुनगुना कर, और जब हम उनको गुनगुनाते हैं तो हम झूम उठते हैं, जैसे प्रियांशु जी, और इंदौर से आ रही हैं आपके शहर में डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, मेरी भी उपस्थिति रहेगी, और हमारे छोटे भाई पंकज सिंह उपस्थित रहेंगे, शेखर पाखी उत्तराखंड से आ रहे हैं, और बजरंग नाथ तिवारी जो कि इलाहाबाद की पुण्य धरती से हमारे बीच रहेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है इन दो पंक्तियों के साथ कि सौ चांद भी चमके तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।